चर्चा प्रारंभ होते हैं। सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। महामति कहे ए साथ जी, इहां लो ईसा का इलाम, अब मोहम्मद को मिल चला, कहूँ एक दिन आदम, कहूँ एक दिन आदम, इहां लगे कतेब की। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। धाम धनी श्री राज जी, श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर इस बीतक का वर्णन करवा रहे हैं, जिसमें कल हमने सुना कि कैसे श्री जी सिद्धपुर से मेरता पहुंचते हैं, और मेरता में कौन होता है, लाभानंद यति, जिन्होंने तांत्रिक बल के द्वारा सारे मेरता शहर को अपने वश में किया हुआ था, और उसी डर के कारण कोई भी श्री जी की चर्चा सुनने नहीं जाता है। लेकिन जब श्री जी अपने अलौकिक ज्ञान से कुछ प्रश्न करते हैं जिसका जवाब लाभानंद यति नहीं दे पाते हैं, इसका परिणाम यह होता है फिर सारे मेरता शहर के लोग श्री जी के चरणों में आने लगते हैं। एक प्रसंग और घटित होता है यहाँ पर, जैसे श्री जी मुला के द्वारा बांग सुनते हैं, उसका भी अर्थ श्री जी करते हैं कि जैसे वेद कतेब में जिसको क्षर अक्षर और अक्षरातीत कहा है, उसी को कतेब पक्ष में क्या कहा है, ला इल्ला और इलिल्ला। इन बातों का भेद श्री जी सब सुंदर साथ को भी बताते हैं कि सुंदर साथ जी, वेद और कतेब ग्रंथों में बात तो एक ही कही है, लेकिन वास्तविकता को नहीं समझने के कारण सारे झगड़े हो रहे हैं। अब श्री जी मेड़ता में कितना समय रहते हैं, 4 महीने। 4 महीने मेड़ते में रहने के पश्चात श्री जी गोकुल मथुरा आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में पहुंचने से पहले श्री जी गोवर्धन भाई को भेजते हैं, कहां पर, अटक पार, जो जसवंत सिंह राठौर होता है उसके पास श्री जी भेजते हैं कि आप उनके पास जाओ और उनको वाणी चर्चा सुनाओ, यदि उनके अंदर परमधाम की आत्मा होगी तो वो जागृत हो जाएगी। इधर गोवर्धन भाई जाते हैं, उनको जाकर ज्ञान चर्चा सुनाते हैं, लेकिन जसवंत सिंह राठौर के अंदर परमधाम का अंकुर नहीं होने के कारण वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाता है, क्योंकि ये ज्ञान सरल भी बहुत है और कठिन भी बहुत है, क्योंकि इस ज्ञान को कौन समझेगा जिसने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया हो, जिसके अंदर परमात्मा को पाने के लिए कुछ प्यास होगी, तड़प होगी, वही इस ज्ञान को समझ पाएगा। नहीं तो दुनिया को क्या चाहिए, केवल अपना स्वार्थ पूरा करना होता है, क्योंकि दुनिया को परमात्मा नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, ये संसार की चीज़ें, उनको धन चाहिए, उनको प्रतिष्ठा चाहिए, या
और इन्हीं संसार की चीज़ों के पीछे भाग कर ही तो लोग अन्य देव देवता की आराधना करते हैं, क्योंकि उनको मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। इधर गोवर्धन भाई बहुत प्रयास करते हैं उनको जगाने का, लेकिन जसवंत सिंह राठौर नहीं जगते हैं। जसवंत सिंह राठौर के बारे में एक घटना है कि उनका एक 13 साल का बेटा होता है पृथ्वी सिंह। जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार में कार्यरत हैं और औरंगजेब एक बार ये घोषणा करता है कि मेरे पास एक केसरी सिंह है। ये बात जब जसवंत सिंह सुनता है तो वो भी कहता है कि बादशाह साहब, मेरे पास भी एक शेर है। और निर्णय ये होता है कि इस केसरी सिंह के साथ कौन लड़ सकता है। तो यशवंत सिंह कहते हैं कि मेरा शेर इसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। और वो कौन होता है? उसका 13 साल का बेटा पृथ्वी सिंह। जब सभा लगती है तो भरी सभा के सामने पृथ्वी सिंह उस बब्बर शेर को हाथ से पकड़ के उसका जबड़ा चीर देता है, क्योंकि तलवार भी रखने का आदेश नहीं था। यशवंत सिंह बोल देता है कि बेटा, यदि शेर के पास हथियार नहीं है तो तुझे भी हथियार लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो निहत था, 13 साल का बालक एक बब्बर शेर को हाथ से पकड़ के दोनों जबड़े चीर देता है। ये देखता है औरंगजेब, औरंगजेब को चिंता होती है कि यदि ये जीवित रहा तो मेरी सत्ता को पलट देगा। और औरंगजेब धोखे से यशवंत सिंह को अफगानिस्तान की लड़ाई में भेजता है। जैसे ही यशवंत सिंह वहाँ जाता है, इधर पृथ्वी सिंह को जहर देकर औरंगजेब मरवा देता है, क्योंकि औरंगजेब कभी नहीं चाहता है कि कोई मेरी बराबरी करे या कोई मेरी सत्ता को हथियाए। इधर गोवर्धन भाई भी बहुत प्रयास करते हैं यशवंत सिंह को जगाने का, लेकिन परम धाम का अंकुर नहीं होने के कारण यशवंत सिंह नहीं जागते हैं। गोवर्धन भाई पुनः लौटते हैं। इधर श्री जी इस समय दिल्ली में विराजमान है। गोवर्धन भाई भी दिल्ली पहुंचते हैं। गंगाराम भाई और आशाजीत वकील को जागृत करते हैं। एक दिन गरीबदास से भेंट होती है, क्योंकि श्री जी विट्ठल गोर की हवेली में 6 महीने तक रुकते हैं। गरीबदास जिसे भेंट होती है तो गरीबदास जी बताते हैं गोवर्धन भाई को कि श्री जी विट्ठल गोर की हवेली में विराजमान है। इधर गोवर्धन भाई ने जिनको जागृत किया था उनको भी लेकर गोवर्धन भाई श्री जी के चरणों में जाते हैं और सारी घटना सुनाते हैं कि श्री जी, हमने प्रयास तो बहुत किया लेकिन यशवंत सिंह के अंदर परम धाम का अंकुर न होने के कारण उनकी आत्मा नहीं जगी, यानी उनको ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ा। अब इधर और भी कई सुंदर साथ ठट्ठा नगर से, सूरत से कई सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं दिल्ली में। यहाँ पर एक घटना घटती है। लक्ष्मीदास जी सूरत के सुंदर साथ हैं, वो भी उनको क्या होता है, राज्य दर्शन देते हैं आवेश स्वरूप से और कहते हैं कि लक्ष्मीदास, आज से 8वें दिन आपके द्वारा औरंगजेब की आत्मा जागृत होगी। लक्ष्मीदास ये बात श्री जी को सुनाते हैं। सब सुंदर साथ को भी ये बात पता चलती है। श्री जी कहते हैं कि लक्ष्मीदास, ये तो राज्य की कृपा है, किसी पर भी हो सकती है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आगे चलो, मैं तो आपके पीछे पीछे भी चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तो
सुंदर साथ की जागनी होनी चाहिए, मुझे इसके अलावा और कोई चिंता नहीं है। इधर लक्ष्मीदास क्या कहते हैं कि श्री जी, मैं आपके आगे तो नहीं चल सकता, लेकिन आपकी बराबरी में तो बैठ सकता हूँ। श्री जी लक्ष्मीदास का आसन अपनी बराबरी में लगवाते हैं। एक साइड श्री जी बैठते हैं, दूसरी तरफ लक्ष्मीदास जी बैठते हैं, सब सुंदर साथ। जब श्री जी को प्रणाम करने आते हैं तो लक्ष्मीदास जी को भी प्रणाम करते हैं। और उन सुंदर साथ में सूरत के दो प्रकांड विद्वान थे वेदांत के, श्याम भाई और भीम भाई। वो भी जब प्रणाम करने आते हैं तो क्या कहते हैं, धाम धनी लक्ष्मीदास की जय हो। जब भी प्रणाम करने आते हैं तो वो यही शब्द बोलते हैं। इधर लक्ष्मीदास जी को भी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि आगे जब आठवां दिन आता है तो राज जी दर्शन देते हैं हर दिन की तरह। और लक्ष्मीदास कहते हैं कि राज जी, आपने मेरे से वादा किया था कि आज से आठवें दिन औरंगजेब की आत्मा आपके द्वारा जागृत होगी, और आप अपना वचन पूरा करो। जैसे ही लक्ष्मीदास जी इतना कहते हैं, राज जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर जब लक्ष्मीदास श्री जी के पास जाते हैं और सारी घटना श्री जी को सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे घटित हुआ, श्री जी सुनते हैं लेकिन क्या करें, क्योंकि श्री जी को तो पता था। इधर सुंदर साध भी हंसी करते हैं कि धाम धनी लक्ष्मीदास महाराज, आपके द्वारा तो साकुमार की आत्मा जागृत होनी थी, तो क्या हुआ। लक्ष्मीदास जी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन क्या करें, ऐसा क्यों किया राज जी ने, क्योंकि राज जी ने पहले वाणी में कह रखा है। और जागने की शोभा किसको दी हुई है, महामती जी को। और वाणी में राज जी ने जो बात कह दी है वो अंतिम सत्य है। राज जी ने यहाँ ये सिद्ध किया कि वाणी के विपरीत यदि मैं भी कुछ शब्द कहूँ तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन सुंदर साथ वाणी पढ़ते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी के प्रति हमारे अंदर उतना विश्वास नहीं होता है जितना होना चाहिए। क्योंकि वाणी को हम क्या समझते हैं, क्या है वाणी। वाणी नहीं कथाए दंतनी, क्या है, सत वाणी है वाक। और क्या कहा राज जी ने, यदि हम अक्षरातीत के चरणों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें इस वाणी से जुड़े रहना पड़ेगा। पर हम वाणी के वचनों को सुनते तो हैं लेकिन सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। इधर श्री जी यही बात दर्शाते हैं कि सुंदर साथ जी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वाणी के वचनों से आपको विपरीत नहीं होना है। यानी जो बात वाणी कह रही है वो हमारे लिए क्या है, अटल सत्य है। अब श्री जी दिल्ली में रहकर कुरान के कुछ 22 प्रश्न तैयार किए जाते हैं, जिसमें कयामत से संबंधित बातें लिखते हैं कि हे मुसलमानों, दाबतुल अर्ज नाम का जानवर प्रकट हो चुका है, आखिर जमा इमाम मेहंदी आ चुके हैं। ये सारी बातें लिखकर 22 प्रश्न तैयार किए जाते हैं। लेकिन जब श्री जी एक सभा बुलाते हैं, उसमें जब वार्तालाप किया जाता है कि ये 22 प्रश्न औरंगजेब तक पहुंचाने हैं, उसमें होते हैं आशाजीत वकील। आशाजीत वकील कहते हैं कि श्री जी, औरंगजेब जो सुबह उठकर यदि किसी हिंदू का मुख भी देख लेता है तो उसकी गर्दन को कलम करवा देता है, और वो अपने आप को क्या मानता है, मोमिन, और हिंदुओं को क्या मानता है,
काफर, जो औरंगजेब इतना कट्टर है और उनके पास यदि हम हिंदुस्तानी भाषा में पत्र भेजेंगे, यानी भाषा हिंदी और लिपि कौन सी है, देवनागरी, इसमें यदि हम पत्र भेजेंगे तो औरंगजेब कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इधर उसी प्रश्न को फारसी भाषा में करवाया जाता है और भीम भाई और लाल राजी को श्री जी भेजते हैं कि आप ये प्रश्न औरंगजेब के पास लेकर जाओ। लाल राजी और भीम भाई जाते हैं, लेकिन पुनः जब महामति को अंतः प्रेरणा होती है कि इस कार्य में अभी सफलता मिलने वाली नहीं है, श्री जी दोबारा एक सुंदर साथ को भेजते हैं और लाल दास जी को और भीम भाई को वापस बुलवाते हैं। इधर श्री जी अब दिल्ली से शाहजहानपुर बुढ़िया जाते हैं। शाहजहानपुर बुढ़िया में मिर्गी की बीमारी नागजी भाई को पकड़ लेती है। भीतक में चौपाई आती है कि मलकल मौत जलुबिया, मिर्गी की बीमारी के कारण नागजी भाई की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन स्त्री जी अपनी आवेश शक्ति के द्वारा उनको पुनः जीवित करते हैं। स्त्री जी यहाँ लगभग 2 महीने रहते हैं शाहजहानपुर बुढ़िया में। अब यहाँ से स्त्री जी हरिद्वार की तरफ प्रस्थान करते हैं। हरिद्वार में क्या है, कुंभ का मेला लगने वाला है। कुंभ का मेला क्यों लगता है, पौराणिक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था जिसमें समुद्र मंथन एक तरफ देवता और एक तरफ दानव, जब समुद्र मंथन हो चुका था उससे 14 रत्न निकले थे, कितने 14, उसमें एरावत हाथी, कामधेनु गाय, कालकूट विष और अमृत, इस प्रकार 14 रत्न थे। उसमें से अमृत जब निकलता है तो अमृत को लेकर देवता भागते हैं, राक्षस पीछे पड़ते हैं। मान्यता यह है कि जब उस अमृत के कलश को लेकर जब भागते हैं तो उस समय हरिद्वार में गंगा नदी में और उज्जैन में छिप्रा नदी में, नासिक में गोदावरी नदी में और प्रयाग में जो संगम है वहाँ पर इसकी कुछ बूंदें गिरती है। इसी मान्यता को लेकर 12-12 साल के अंतर पर कुंभ का मेला लगता है, कभी नासिक में लगता है, कभी उज्जैन में लगता है, कभी हरिद्वार में लगता है और कभी प्रयाग में लगता है। तो यही समय था, मेला लगने की बारी हरिद्वार में थी और हरिद्वार में सादे धर्म आचार्य भी आते हैं। अब देखिए जहाँ तक अमृत की बात है, जो अमृत की बूंदें गंगा में गिरी थी, प्रश्न होता है कि क्या वो अमृत की बूंदें आज तक है और क्या गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। यदि गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं तो कर्मों का सिद्धांत फेल हो जाएगा, परमात्मा की सारी व्यवस्था फेल हो जाएगी, क्योंकि तब तो कोई कितना भी पाप करेगा और गंगा में जाकर केवल डुबकी लगाएगा उसके पाप धुल जाएंगे।
हम भी कितने भी पाप करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गंगा में नहाने से तो पाप धुल जाएगा, लेकिन गंगा में नहाने से कभी भी पाप धुलते नहीं है। गंगा का पानी हिमालय से होकर आता है, कई जड़ी बूटियों से टकरा कर आता है। गंगा में नहाने के बाद शरीर में एक ताजगी महसूस होती है, एक शक्ति सी लग यानी एक ताकत सी आ जाती है उस पानी में नहाने के बाद। लेकिन हम ये सोचें कि गंगा में नहाने से यदि पाप धुल जाएंगे तो ये हमारी भूल है, क्योंकि पाप क्या है, गीता कहती है अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभम, कि जो जैसा कर्म करेगा उसको अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। फिर गंगा में नहाने से पाप कैसे धुल जाएंगे, और ये कर्मों का बंधन किसी को नहीं छोड़ता है। मैं एक दृष्टांत देना चाहूँगा। दो मित्र थे जो एक गांव में रहते थे, और उन्होंने सोचा कि बड़े शहर में जाकर कुछ धन कमा लिया जाए। यही सोचकर वो बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ जाकर छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बेचते बेचते वो जैसे जैसे पैसे आते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें बेचने लगते हैं, और कुछ ही सालों में काफ़ी सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं। जब काफ़ी धन इकट्ठा हो जाता है तो सोचते हैं कि अब घर जाया जाए, और जिस दिन घर जाना होता है एक मित्र खाने के लिए उसके लिए कोई चीज़ लेने जाता है। अब खाने की वस्तु लेकर आता है, लेकिन जैसे लेकर वो आ रहा होता है उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं अपने मित्र को अपने रास्ते से हटा दूं और उसका सारा धन मैं ही ले लूं। यही सोचकर वो उस खाने की वस्तु में जहर मिला देता है और लाकर अपने उस मित्र को खिला देता है। उसको बेचारे को क्या पता कि इसके अंदर क्या मिलाया हुआ है। अब वो जैसे ही खाता है, खाते ही उसके प्राण शरीर से निकल जाते हैं। अब इसने क्या किया, डॉक्टरों से मिलकर झूठे कागजात बनवा लिए कि इसको ये बीमारी थी जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई, और घर वालों को भी वो कागज़ दिखा देता है, और जो धन कमाया था उसमें से कुछ धन घर वालों को देता है, बाकी सारा धन वो स्वयं ले लेता है। अब वो स्वयं एक सुंदर मकान बनाता है, शादी करता है। शादी के 2 साल बाद उसके घर में एक बालक का जन्म होता है। बालक बहुत सुंदर होता है, देखते ही देखते बालक बड़ा होता है। जब बालक कुछ बड़ा होता है उसको अचानक वो बालक बीमार पड़ता है। बालक को डॉक्टर के पास वो लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर के समझ में ये नहीं आता है इसको क्या हुआ है। जब एक डॉक्टर को नहीं पता चलता है दूसरे के पास लेकर जाता है, उसको भी समझ में नहीं आता है कि इसको बीमारी क्या है। इसी तरह दूसरे से तीसरा, इस तरह वो सारे देश में घूमता है, लेकिन किसी को भी समझ में ये नहीं आता है इसको बीमारी कौन सी है। जब पूरे देश में वो ठीक नहीं होता है तो वो कर्ज लेकर विदेश ले जाता है, वहाँ के डॉक्टरों को दिखाता है, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों को भी बीमारी समझ में नहीं आती है। अब वापस लेकर आता है। एक दिन घर में दोनों बाप बेटे थे, वो बेटा लेटा हुआ था, वो अचानक उठकर बैठता है और कहता है कि देख पहचान मुझे कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि तू मेरा बेटा है और कौन है। वो दोबारा उठकर बैठता और कहता है कि देख पहचान मुझे कि मैं कौन हूँ। वो कहता है तू मेरा बेटा है और कौन है। तब वो कहता है कि तूने मुझे नहीं पहचाना, कि तू याद कर
आज से कुछ साल पहले तूने एक मित्र को जहर देकर मारा था और उसका सारा धन तूने ले लिया था। मैं वही मित्र हूँ, तेरा बेटा बनकर आया हूँ और जितना धन तूने लिया था वो धन मैंने खर्च करवा दिया और तुझे कर्ज में भी डुबा दिया। मैं जो काम करने के लिए आया था वो मेरा काम हो गया और अब मैं जा रहा हूँ। वहीं पर गिरता है और शरीर छोड़ देता है। तो ये क्या है? ये कर्मों का बंधन है। हर इंसान को भुगतना ही पड़ेगा। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमें भुगतना ही पड़ेगा। हम सोचेंगे यदि गंगा में नहाकर हमारे पाप धुल जाएंगे तो ये संभव नहीं है। लेकिन आज देखने में क्या आता है, अभी अभी कुछ दिन पहले कांवड़ वालों की कितनी भीड़ थी, कितने लोग गंगा का पानी लाते हैं और लाकर शिव जी पर चढ़ाते हैं और कितने लोग गंगा में नहाने के लिए कभी तो झगड़े भी होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता। अरे मानव पाप किससे धुलेंगे? सत्य ज्ञान से, उस परमात्मा का ध्यान करने से। यदि हमने पाप किए भी होंगे तो कुछ उसका दंड मिलेगा, कुछ क्षमा हो जाएंगे, अन्यथा इससे किसी भी तरह से छुटकारा नहीं है। जैसे गीता कह रही है वैसे अवश्यम एव भोक्तव्यम भोक्तव्यम, हर मनुष्य को अपने किए हुए पापों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। अब इधर कुंभ के मेले में सारे धर्माचार्य आए हुए हैं, जिसमें चार वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज, नीमानुज, विष्णुश्याम, माध्वाचार्य और दशनाम संन्यास मत के आचार्य, छह दर्शनों के आचार्य, ये सारे हरिद्वार में इकट्ठे हुए हैं। अब श्री जी कुछ सुंदर साथ के साथ हरिद्वार में पहुँचते हैं। जैसे ही श्री जी हरिद्वार में पहुँचते हैं, सारे धर्माचार्य श्री जी की वेशभूषा देखकर सोचते हैं कि ये नए लोग कहाँ से आ गए, क्योंकि सबकी वेशभूषा कैसी थी? सबके पास भगवे वस्त्र, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, कई बड़ी बड़ी मालाएं, लेकिन श्री जी की वेशभूषा कैसी थी? सादी, और सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे श्री जी ने। और उस वेशभूषा को देखकर सब लोग शक करने लगते हैं कि कहीं ये औरंगजेब के भेजे हुए आदमी तो नहीं है, क्योंकि उस समय औरंगजेब का आतंक था। औरंगजेब न जाने कितने हिंदुओं को ख़त्म कर चुका था, उसका एक ही और कितने मंदिरों को तुड़वा चुका था, इतना क्रोध था। कुरान बात कुछ और कहता है, लेकिन जो काजी मुल्ला है उन्होंने औरंगजेब को ऐसे शरीयत पढ़ा रखी थी जिसके कारण वो इतना कट्टर हो चुका था। इधर सब लोग श्री जी को कहते हैं कि आप हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, झाड़ो दीजिए आपनो कि हमें आपका परिचय चाहिए। श्री जी कहते हैं, हे धर्माचार्यों, आप का मत पंथ प्राचीन है और मैं तो आपके पास ज्ञान ग्रहण करने के लिए आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो सिद्धांत अपनाए हुए हैं, आप जिस ज्ञान को मानते हैं, जिस राह पर आप चल रहे हैं, वो मुझे भी बताएं और अपना अहंकार और क्रोध को छोड़कर। क्योंकि क्या होता है, जब ज्ञान का वार्तालाप भी होता है तो जब किसी को अधूरा ज्ञान होता है तो जब नहीं आता है तो वो क्या करता है, क्रोधित हो जाता है। अपनी बात जब सामने वालों को नहीं बता पाते हैं तो क्रोध के अलावा और कोई चारा उनके पास नहीं होता है। लेकिन श्री जी कहते हैं, हे धर्माचार्यों, आप तो बहुत ज्ञानी हैं
और आपके पंथ भी बहुत प्राचीन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना ज्ञान सुनाएं ताकि मैं भी आपकी राह का अनुसरण कर सकूं। इधर सबसे पहले रामानुज संप्रदाय के आचार्य श्री जी के समक्ष उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि हे संत जी, आप हमारे ज्ञान को सुनिए। वो अपना ज्ञान श्री जी को सुनाते हैं। क्या कहते हैं कि रामानुज संप्रदाय के आचार्य कहते हैं कि हमारा जो पंथ है वो अलौकिक है, अगाध है और सारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। हमारा गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र है, जो बहुत पवित्र है। हमारा तीर्थ मेलकोटा है, कावेरी नदी तीर्थ है और सुख विलास का स्थान मेलकोटा है। अपनी सारी पद्धति सुनाते हैं श्री जी को। इष्ट कौन है? लक्ष्मी जी। कौन से वेद को मानते हैं? साम वेद को। मुक्ति कौन सी है? सामिप्य। जब श्री जी को अपनी सारी बातें बता देते हैं रामानुज संप्रदाय के आचार्य, श्री जी उनको कहते हैं कि आचार्य जनों, आपने जो अपने मत पंथ सिद्धांत बताए हैं वो सारे कहाँ के हैं? इस जगत के अंदर के। क्योंकि रामानुज संप्रदाय के आचार्य भले साम वेद को मानते हैं लेकिन उनके सिद्धांत साम वेद के विपरीत थे। क्योंकि साम वेद में कहीं भी किसी जड़ पदार्थ की पूजा करने को नहीं कहा हुआ है। लेकिन हुआ क्या है, इन्होंने कहीं का कुछ लिया, कहीं का कुछ लिया और अपना संप्रदाय बना लिया। श्री जी कहते हैं हे आचार्य जनों, आपने जो भी कहा है वो सारा इस जगत के अंदर का है और धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब महाप्रलय होगा तो 14 लोकों का ब्रह्मांड का नाश होगा। प्रलय कितने हैं? 4 प्रकार के प्रलय हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। जब महाप्रलय होगा तो 5 तत्व, 3 गुण और 14 लोकों के ब्रह्मांड का लय हो जाएगा। तब आपने जो अपने सिद्धांत बताए हैं वो कहाँ रहेंगे? जिस विष्णु को आप अपना आराध्य मानते हैं या अपनी मुक्ति का स्थान वैकुंठ को मानते हो, वो वैकुंठ ही जब नहीं रहेगा तो आपकी मुक्ति कहाँ होगी? ये बात सुनकर रामानुज संप्रदाय के आचार्य मौन हो जाते हैं। क्योंकि श्री जी के अंदर एक ही जिज्ञासा है कि मेरे जीव को मुक्ति चाहिए और मैं वही राह ग्रहण करूँगा जो जीव को अखंड मुक्ति देने वाली हो। लेकिन धर्माचार्य के पास उस एक परब्रह्म का ज्ञान नहीं था, वो भी क्या करते बेचारे, उन्होंने तो जितना ज्ञान था उतना सुना दिया। अब नियमानुज संप्रदाय के आचार्य श्री जी के समक्ष उपस्थित होते हैं। नियमानुज, जिसको निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं, नियमानुज के आचार्य, इनका मत कैसे चला कि जो आचार्य थे इनके, उनके पास कुछ संत आए और वो संत सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं ग्रहण करते थे और उस समय सूर्यास्त हो चुका होता है। लेकिन इस संत कहते हैं कि देखो वो सूर्य है, नीम के पेड़ के ऊपर वो सूर्य के दर्शन करा देते हैं। तब से इनका संप्रदाय चल पड़ा नियमानुज और तब से इनका नाम नियमानुज
हो गया और उनके द्वारा ये संप्रदाय चल पड़ा। अब ये भी अपनी पद्धति श्री जी को बताते हैं कि श्री जी आप हमारी पद्धति सुनिए। ये भी अपना इष्ट, हम इष्ट किसको मानते हैं, हम जब किसका करते हैं, हमारा मुक्ति का स्थान क्या है, इस सारी बात श्री जी को बताते हैं। श्री जी उनके भी प्रश्नों को सुनते हैं, क्या कहते हैं निमानु संप्रदाय के आचार्य कि हम गोमती नदी को तीर्थ मानते हैं और हमारे इष्ट कौन हैं, रुक्मणी जी, यजुर्वेद को हम मानते हैं और हरि नाम की माला को हृदय में धारण करते हैं और सुख विलास का स्थान किसको मानते हैं, नित्य वृंदावन को और द्वारिका को अपनी पूरी मानते हैं। यानी कुछ बातें इस जगत के अंदर की करते हैं और कुछ बातें जगत के परे की। जब ये सारी पद्धति श्री जी को सुना देते हैं तो श्री जी कहते हैं कि हे निमानुज के आचार्यों, आपके अंदर विचार नहीं है, यानी तत्व ज्ञान का विचार आपके अंदर नहीं है। आपने जो अपने सिद्धांत सुनाए हैं उसमें कुछ बातें तो जगत के अंदर की है और कुछ बातें जगत के परे की है, पर आप भी क्या करो, क्योंकि बिना सद्गुरु के आपको भी सच क्या है और झूठ क्या है इसमें फर्क पता नहीं चलेगा। अब श्री जी उनको भी कहते हैं कि लेकिन जिन बातों का आपको स्वयं पता नहीं है तो उन बातों को आप दूसरों को कैसे ग्रहण करा सकते हो। हे संत जनों, आप में विवेक नहीं है और जो सिद्धांत आपके है उसके प्रति आपको भी पता नहीं है कि वास्तविकता क्या है। श्री जी उनको भी प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि जगत आपने जो भी कहा है जगत के अंदर का है और पिंड ब्रह्मांड दोनों प्रलय में लय को प्राप्त होंगे तो आपका भी ज्ञान कहाँ रहेगा, यानी मेरे जीव को मुक्ति कहाँ मिलेगी। तब ये आचार्य भी मौन हो जाते हैं। विष्णु श्याम संप्रदाय के आचार्य खड़े होते हैं और श्री जी को कहते हैं कि श्री जी आप हमारे ज्ञान को सुनिए। वो भी अपना सारा ज्ञान सुना देते हैं। इसमें जैसे सूत्र क्या है, शिखा क्या है, इष्ट क्या है, तीर्थ क्या है, ये सारे धर्माचार्य बताते हैं। एक बात और समझ लेनी चाहिए हमें, जैसे कुछ बातें इसमें जैसे सूत्र है, सूत्र किसको कहते हैं, किसी बात को समझने के लिए जैसे कोई महान कोई विशेष बात है उसको समझाने के लिए एक सूत्र दिया जाता है, यानी छोटे संक्षिप्त रूप में उस सूत्र के द्वारा हम उस महान यानी बड़ी बात को हम समझ सकते हैं। जैसे दर्शनों में सूत्र होते हैं, जो लोग अष्टाध्यायी पढ़ते हैं उनको पता है कि एक छोटा सा सूत्र होता है जब उसकी व्याख्या करते हैं तो कितना विशाल हो जाता है। वैसे ही किसी महान बात को दर्शाने के लिए जो संकेत किया जाता है उसको हम सूत्र कहते हैं। लेकिन कई बार सूत्र किसको मान लिया जाता है, यज्ञोपवीत जो हम जनेऊ धारण करते हैं उसको भी सूत्र मान लिया जाता है। यज्ञोपवीत भी कहते हैं जिसको, यज्ञोपवीत तीन धागे का होता है, जैसे ज्ञान कर्म और उपासना, उसमें तीन गांठें होती है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, और वो 96 अंगुल का लंबा होता है। 96 अंगुल का यानी जो यज्ञोपवीत को धारण करता है उसने 64 कला और 32 विद्या सीखी हुई है, ये दर्शाने के लिए यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, जिसको सूत्र भी कहा जाता है। ऋषि किसको कहेंगे, वैसे वैदिक मान्यता के अनुसार ऋषि उसको कहते हैं जिन्होंने
समाधि में बैठकर वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया हो। ऋषि दृष्टारो मंत्र यानी, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं जगह पर ऋषि उसको भी मान लिया जाता है जो किसी सिद्धांत को लेकर कोई राह चलाते हैं, किसी प्रमाणों को लेकर एक राह चलाते हैं, उनको भी ऋषि मान लिया जाता है। तो ये रामानुज निमानुज संप्रदाय के आचार्य, कहीं कोई नारद जी को ऋषि मानता है, कहीं किसी और को ऋषि मानता है। इधर विष्णु श्याम संप्रदाय के आचार्य श्री जी को क्या कहते हैं, मार्कंड तीर्थ। हमारा तीर्थ क्या है, मार्कंड, मार्कंड ताल हमारा तीर्थ है, परसोत्तमपुर धाम है। वैसे तीर्थ किसको कहा जाता है, जिन शुभ कर्मों को करने से हमारा जीव भव सागर से पार हो जाता है उसको हम तीर्थ कहते हैं। जना यही तरंति तानी तीर्थानी, लोग कोई कावेरी नदी को तीर्थ मानते हैं, कोई गंगा को तीर्थ मानते हैं, कोई किसी को तीर्थ मानते हैं, लेकिन वास्तव में तीर्थ क्या है, शुभ कर्म जिसको करने से हमारा जीव भव सागर से पार होता है। इष्ट लक्ष्मी है सही, हमारी इष्ट कौन है, लक्ष्मी जी। कौन कह रहे हैं, विष्णु श्याम संप्रदाय के आचार्य। अथर्ववेद हमारो सही, और हम कौन से वेद को मानते हैं, अथर्ववेद को। माला नाम की सार, और सार रूप में हम माला का जप करना ही मानते हैं। साइज मुक्त हमने ग्रही, हमारी मुक्ति कौन सी है, साइज। मुक्ति कितने प्रकार की है, चार प्रकार की। एक है सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और साइज। सामीप्य मुक्ति किसको कहते हैं, जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसके समीप हो जाना सामीप्य मुक्ति है। और जिसके हम आराधना करते हैं उसके जैसा ही हमारा स्वरूप हो जाना, क्या है, सारूप्य। और जिसकी हम आराधना करते हैं उसके लोक को प्राप्त करना सालोक्य, और हमारे आराध्य के अंदर विलीन हो जाना, यानी जिसकी हम आराधना करते हैं उसके अंदर विलीन हो जाना सायुज मुक्ति है। ये चार प्रकार की मुक्ति वैकुंठ में मानी जाती है। लेकिन जब महाप्रलय होता है तो जब वैकुंठ ही नहीं रहता है तो ये चार मुक्तियाँ कहाँ रहेगी। श्री जी इनको भी कहते हैं, तब कहे प्रश्न श्रीराज ने, श्री जी कहते हैं हे आचार्य जनों, ए तो कही जगमाही, कि आपने जो भी कहा है वो जगत के अंदर का ही है। कहे वेद जग भ्रम है, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब महाप्रलय होगा तो सारे ब्रह्मांड लय को प्राप्त होगा। तब मुक्त कही सो काही, तो हे धर्माचार्यों, तो आपने जो मुक्ति कही है वो कहाँ मिलेगी, आपने जो सायुज्य मुक्ति कही है वो कहाँ मिलेगी। और जब जिस स्थान पर ये चारों प्रकार की मुक्ति है, जब वो स्थान नहीं रहेगा तो मुक्ति कहाँ होगी। तो विष्णु श्याम संप्रदाय के आचार्य भी मौन हो जाते हैं। उनके मौन होने पर माध्वाचार्य संप्रदाय के आचार्य भी श्री जी को अपना ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन वो भी सारा इस जगत के अंदर का ही बताते हैं, कोई भी परे का ज्ञान नहीं बता पाता है। श्री जी का एक ही प्रश्न होता है कि बस मेरे जीव को मुक्ति चाहिए, और मुझे वो अखंड मुक्ति देने वाला ज्ञान चाहिए जिसके द्वारा मैं आपकी राह को अनुसरण कर सकूं।
लेकिन कोई भी स्थिति जी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं। अब दशनाम संन्यास मत के आचार्य खड़े होते हैं। दशनाम संन्यास मत का प्रचलन क्या हुआ था? कई साल पहले बौद्ध और जैन मत पूरे भारत में फैल चुका था। बौद्ध मत भी, बुद्ध ने राह कुछ और दिखाई थी, लेकिन बुद्ध के मानने वाले आज मांस भी खाते हैं और भी कई कार्य करते हैं। बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा होगा। बताया ये जाता है कि उनमें मांस खाने का प्रचलन कब से चला। एक बार बुद्ध भिक्षुक जा रहे थे हाथ में पात्र लेकर। एक गिद्ध मांस लेकर ऊपर से उड़ रहा था, उसके पंजे से मांस छूटकर भिक्षुओं के जो पात्र होता है भिक्षा का, उसमें गिर जाता है। और मांस जब गिर जाता है, इधर बुद्ध को पूछा जाता है कि हमें भिक्षा में क्या लेना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि जो भी मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। बुद्ध का आशय ये था कि किसी को कष्ट न हो, इसलिए बुद्ध ने ये कहा था कि जिसके घर जो भी मिल जाए, रूखा सूखा चाहे कैसा भी मिल जाए, उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इधर भिक्षुओं ने उसका अर्थ कुछ और लगाया, और तब से बौद्ध भिक्षुक क्या करते हैं, किसी और से मांस वो करवा के मांस भी खाते हैं कई लोग बौद्ध भिक्षु। बुद्ध ने तो बेचारे पशु को बचाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दिया था कि आप मुझे मारिए, लेकिन इन जो पशु बेचारा बोल भी नहीं सकता उसको मत मारिए। लेकिन बुद्ध की राह पर चलने वाले आज मांस खाने में भी नहीं झिझकते हैं। तो वही बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल चुका था, और शंकराचार्य जी ने ये प्रण लिया था कि मैं बौद्ध धर्म को भारत से बाहर निकालूंगा। और उन्होंने किया भी यही, वेद का प्रचार किया और बौद्ध को भारत से बाहर निकाल दिया। और इसीलिए उन्होंने चारों दिशाओं में चार मठ स्थापित किए थे। पश्चिम में शारदा मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, उत्तर में जोशी मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। इन चारों मठों की स्थापना शंकराचार्य जी करते हैं और उन चारों स्थानों पर अपने शिष्यों को बिठाते हैं ताकि वेद धर्म का प्रचार चलता रहे और समाज में कोई भी कुरीतियाँ न पनप पाए। लेकिन कालांतर में उनके अंदर भी कई लोग और जुड़ते गए और संन्यास में भी कितने हो गए, 10 नाम संन्यास मत तब से चला, जिसमें चार मन्याओं को मानकर अलग अलग, जैसे तीर्थ आश्रम, वन अरण्य, गिरी पर्वत सागर, पुरी भारती और सरस्वती। यानी ये आचार्य अपने नाम के आगे कोई तीर्थ लगाते हैं, कोई वन लगाते हैं, कोई पुरी लगाते हैं, कोई भारती लगाते हैं, और इन्होंने भी अलग अलग अपना मत बना लिया। अब ये दशनाम संन्यास मत के आचार्य भी स्त्री जी को अपना सारा ज्ञान सुनाते हैं। इसमें सात मन्याएं आती हैं, सात मन्या वाले भी स्त्री जी से वार्तालाप करते हैं, लेकिन कोई भी अखंड के बारे में नहीं बता पाता है। केवल छठी मन्या में एक बात आती है, जिसमें वो बात तो परमधाम की ब्रह्म आत्माओं की है, लेकिन जो उस मन्या को मानने वाले हैं उनको भी नहीं पता कि ये बात कहाँ की है। श्री जी इनका भी सारा ज्ञान सुनते हैं, लेकिन श्री जी एक ही प्रश्न करते हैं कि आचार्य जनो, आपने जो भी बताया है वो सारा इस जगत के अंदर का है, और
मुझे तो मेरे जीव को मुक्ति चाहिए और मुझे वो चाहिए कि जो जगत के समाप्त होने के बाद भी टिका रहे। हे आचार्य जनों, भले आप इतने सालों से इस मत पंथ को मान रहे हो और आपके मत पंथ प्राचीन है, लेकिन मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। जब दशनाम संन्यास मत के आचार्य भी सी जी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, अब सी जी के सामने उपस्थित होते हैं छह दर्शन के आचार्य। छह दर्शन जिसे मान्यता यह है, छह दर्शन ने एक सत्य को जानने के लिए अलग अलग विषय की व्याख्या की है, लेकिन जो उन दर्शनों को मानने वाले हैं शायद उस दर्शन के आशय को वो भी नहीं समझ पाते हैं। छह दर्शन छह ऋषियों के द्वारा रचे हुए हैं, जैसे न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम। वैशेषिक दर्शन के रचयिता कणाद है, सांख्य के कपिल मुनि है, और पतंजल यानी योग दर्शन के रचयिता पतंजल ऋषि है, वेदांत के वेदव्यास जी और मीमांसा के जैमिनी और व्यास जी। यानी अलग अलग ऋषियों ने इन छह दर्शनों की रचना की है। ये दर्शन कभी व्यर्थ नहीं हो सकते, उसमें एक सत्य को जानने के लिए ही इन ऋषियों ने प्रयास किया है, लेकिन जो एक दर्शन को पकड़ेगा वो कभी भी सत्य को नहीं ग्रहण कर पाएगा। इधर सबसे पहले न्याय दर्शन के आचार्य सी जी के सम्मुख खड़े होते हैं और कहते हैं, हे संत जी, आप हमारा ज्ञान सुनिए। न्याय दर्शन के आचार्य कहते हैं 21 दुख की सीढ़ियां हैं। 21 दुख की सीढ़ियां क्या है? पांच ज्ञान इंद्रियां और छठवां मन, यानी छह इंद्रियां और छह इंद्रियों के विषय। जैसे आँख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय है सुनना। जीभा का विषय है स्वाद लेना। और नासिका का विषय है सुगंध लेना। इसी प्रकार मन का विषय है संकल्प विकल्प विकल्प करना। ये छह इंद्रियां, छह इंद्रियों के विषय कितने हो गए? 12। और छह इंद्रियों से मिलने वाला सुख 18। और सुख दुख और शरीर, ये है दुख की 21 सीढ़ियाँ। न्याय दर्शन के आचार्य स्त्री जी को कहते हैं कि हे संत जी, जब इन दुख की 21 सीढ़ियों का नाश हो जाता है तो जीव को सुख प्राप्त होता है। तब स्त्री जी कहते हैं, हे संत जी, आपने जो दुख की 21 सीढ़ियां बताई है उसका नाश होने के बाद जीव को सुख मिलता है यानी आनंद मिलता है, तो कहाँ मिलता है? अब न्याय दर्शन के आचार्य ये नहीं बता पाते हैं कि वो आनंद कहाँ मिलता है। यानी श्री जी कि प्रश्न का जवाब जब नहीं दे पाते हैं तो न्याय दर्शन के आचार्य मौन हो जाते हैं। न्याय दर्शन के बाद मीमांसा दर्शन के आचार्य श्री जी के सम्मुख आते हैं और क्या कहते हैं कि श्री जी, कर्म ही सब कुछ है। मीमांसा दर्शन में कर्म की व्याख्या है, लेकिन मीमांसा दर्शन वाले क्या कहते हैं कि कर्म ही ब्रह्म है, कर्म ही सब कुछ है, और कर्म के बिना जो किसी और को मानता है वो गलत है। श्री जी कहते हैं कि हे
आचार्य जनों, कर्म कैसे उत्पन्न होता है? जीव के अहंकार और मन से कर्म की उत्पत्ति होती है, और कर्म के अंदर क्या है? भ्रांति है। श्री जी कहते हैं कि जहाँ कर्म है वहाँ भ्रम नहीं। और देखा जाए तो कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता, क्योंकि जो भी चेतन तत्व होगा वो कुछ न कुछ कार्य अवश्य करेगा। उस कर्म की व्याख्या मीमांसा दर्शन में है, लेकिन मीमांसा दर्शन के मानने वाले केवल कर्म को ही ब्रह्म का रूप मान लेते हैं। यहाँ वो अपनी राह से भटक जाते हैं। इधर श्री जी कहते हैं कि आचार्य जनों, कर्म के अंदर तो भ्रांति है, और ब्रह्म कर्म का रूप कैसे हो सकता है? तो मीमांसा दर्शन वाले भी श्री जी के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं। इधर मीमांसा दर्शन के बाद श्री जी के सम्मुख आते हैं वैशेषिक दर्शन के आचार्य। वैशेषिक दर्शन के आचार्य क्या कहते हैं श्री जी को? कि श्री जी, काल ही ब्रह्म का रूप है। काल यानी समय, कि समय से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, और समय के अंदर ही ब्रह्मांड लय को प्राप्त होता है, और काल ही ब्रह्म है। श्री जी कहते हैं कि श्रुति स्मृतियों में वर्णन है कि जहाँ काल है वहाँ ब्रह्म नहीं, और जहाँ ब्रह्म है वहाँ काल नहीं। तब वैशेषिक दर्शन के आचार्य भी मौन हो जाते हैं। श्री जी कहते हैं कि वेद वाक्य मध्य काल को, वेद वाक्य मध्य काल को नाश, काल रहित है ब्रह्म प्रकाश। श्री जी कहते हैं कि ब्रह्म तो काल से रहित है। तब बोले पतंजल ज्ञानी, अब पतंजल यानी योग दर्शन के आचार्य श्री जी के सामने आते हैं। इससे पहले वैशेषिक से पहले सांख्य दर्शन के आचार्य भी श्री जी को अपना ज्ञान सुनाते हैं। वो क्या कहते हैं कि प्रकृति पुरुष से ब्रह्मांड बनता है, यानी प्रकृति पुरुष जब मिलते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और प्रकृति पुरुष जब अलग होते हैं तो ब्रह्मांड का लय हो जाता है, और पुनः वो प्रकृति पुरुष को क्या मानते हैं? निराकार। श्री जी कहते हैं कि जब आप प्रकृति और पुरुष को निराकार मानते हो तो निराकार निराकार से कैसे मिलता है, और कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है? तो सांख्य दर्शन के आचार्य भी मौन हो जाते हैं। अब योग दर्शन के आचार्य श्री जी को कहते हैं कि श्री जी, योग के 8 अंगों का वर्णन करते हैं, और कहते हैं कि जब हम योग के 8 अंगों को पार कर लेते हैं तो ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। योग के 8 अंग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम किसको कहते हैं? यम में 4 चीजें आती है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 4 चीजें यम के अंदर आती है। सत्य किसको कहते हैं? मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना। अस्तेय कहते हैं चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य 2 प्रकार से होता है, शरीर से, जिससे जो लोग शादी नहीं करते उस शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन आत्मा का ब्रह्मचर्य यह है कि आत्मा अपने प्रियतम को छोड़कर अपने दिल में अन्य किसी को जगह न दे। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक वस्तु को ग्रहण नहीं करना। आज लोगों के पास इतना सारा धन है, जिनके जो
लाखोंपति है वो करोड़पति होना चाहते हैं, जो करोड़पति वो और आगे बढ़ना चाहते हैं और धन कमाना चाहते हैं। लेकिन यदि जिस दिन हर इंसान अपरिग्रह को अपना लेगा, शायद कोई गरीब नहीं रहेगा। और जैसे अस्तेय की बात आती है, योग दर्शन में एक सूत्र आता है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, कि मनुष्य यदि चोरी करना छोड़ देगा तो सारी चीज़ें उसे अपने आप मिल जाएगी। लेकिन मनुष्य जितना ज़्यादा इकट्ठा करना चाहता है उसके पास चीज़ें उतनी कम होती जाती है। लेकिन यदि वो सच्चे हृदय से अपना जीवन व्यतीत करेगा, यानी जीवन में चोरी नहीं करेगा, तो उसको कई सारी चीज़ें अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। यम के बाद आता है नियम। नियम में आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच किसको कहते हैं? शौच कहते हैं अपने बाह्य और आंतरिक पवित्रता को। जैसे बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, आंतरिक पवित्रता में क्या आता है कि हमेशा अपने हृदय को पवित्र रखना। जैसे जो लोग हठ योग करते हैं, जिसे नेति, धोती, कपालभाति, इनके द्वारा शरीर को शुद्ध किया जाता है। कई लोग जैसे धोती निकल कर भी, जैसे आंतों में जो मल होता है उसको बाहर साफ कर देते हैं। कई लोग कुंजर क्रिया करते हैं, जैसे खूब पानी पीते हैं और उस पानी को मुख के द्वारा बाहर निकालते हैं। कई लोग बस्ती करते हैं, यानी ये सारी चीज़ें शरीर को शुद्ध करने के लिए हैं। सोच यानी कि बाह्य और आंतरिक पवित्रता को सोच कहते हैं। जैसे वाणी भी कहती है कि अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, कर देखाई कोट पेर तोहे ना मिल्यो करतार, कि हमें अपने हृदय को पवित्र करना है। बाहर जैसे कोई बाहर कितना भी पवित्र रहे, यदि उसका दिल पवित्र नहीं है तो वो पवित्र नहीं माना जाएगा। जैसे सूरत के प्रसंग में हमने सुना कि वैष्णव कहिए वाको जाके निर्मल आत्म, निज कर्म के निकट न जावे जाए पहचान भई पारब्रह्म, कि सच्चा वैष्णव वही है जिसकी आत्मा निर्मल हो, यानी जिसका हृदय पवित्र हो। सोच के बाद आता है संतोष। संतोष की बात आज इंसान यदि संतोष कर ले तो शायद उसको शांति मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, संतोष कभी आध्यात्मिक राह में चलने में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष किससे करना चाहिए? संतोष भोजन से करना चाहिए, संतोष धन से करना चाहिए। लेकिन यदि आध्यात्मिक राह में हमने संतोष कर लिया तो हमारी राह वहीं रुक जाएगी, क्योंकि वाणी तो हमें प्रेरित करती है कि सुता होय सो जाग्यो, जाग्या सो बैठा होयो, बैठा ठाड़ा होयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सोए। वाणी में हमें कभी भी रुकने के लिए नहीं कहा है कि जो सुंदर साथ जिनको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान से जग जाए, जो जगे हैं वो उठकर बैठ जाए, जो बैठ चुके हैं वो खड़े होकर आगे बढ़े। क्या कहा है? सब अंग इसके लेके निक्सो ब्रह्मांड फोर। लेकिन यदि भौतिक चीज़ों में हमने संतोष नहीं किया तो हमारा जीवन अशांत हो जाएगा। आज मकान नहीं था, मकान बन गया तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, और सारा मानव इसी के पीछे भागता है। लेकिन कभी भी किसी को संतोष नहीं होता है, क्योंकि बात क्या है, हर इंसान अपने मन को भरना चाहता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, उसके अंदर एक खालीपन है और वो इन भौतिक चीज़ों से अपने आप को भरना चाहता है। लेकिन
ये संभव नहीं है। और भौतिक चीज़ों से भी कभी कोई संतुष्ट नहीं हो पाया है, हमें लगता है केवल प्रतीत होता है। भरत हरि ने जैसे कहा है कि भोगान भुक्ता वयम एव भुक्ता, कि संसार के भोगों को हमने नहीं भोगा, संसार के भोगों ने हमें भोगा है। कालो न या तो वयम एव याता, कि समय नहीं बीता हम ही बीते हैं। वास्तविकता भी यही है, समय नहीं जा रहा है। क्या समय जा रहा है? समय नहीं जा रहा है, हम ही जा रहे हैं। और समय नहीं बीत रहा है, हम ही बीत रहे हैं। हम कुछ साल पहले बालक थे, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। तो समय नहीं बीता, क्या कहते हैं? समय नहीं बीता, हम ही बीत गए। आगे कहते हैं कि तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा, कि तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम ही बूढ़े हो गए। संसार के सुखों को प्राप्त करने की इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती है, आपने देखा होगा। कई लोग बूढ़े यानी वृद्ध हो जाते हैं लेकिन उनकी इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि शरीर तो वृद्ध हो रहा है लेकिन इच्छाएं उसकी वैसी की वैसी है। और यदि परमात्मा की भक्ति हम नहीं करते हैं तो इच्छाएं और बढ़ती है और मरते दम तक इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। क्योंकि हमें एक संतुष्ट करने वाला है तो परमात्मा का ज्ञान, एक परमात्मा की तरफ जाने वाली राह, उसके अलावा कोई भी प्राणी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। उपनिषदों ने भी इसी बात को कहा है कि तम आत्मस्थम ये अनुपस्यन्ति धीरा तेसाम सुखम शाश्वतम न इतरेसाम, कि जिस मनुष्य ने अपनी आत्मा में स्थित होकर उस ब्रह्म का जो ध्यान करता है उसके पास शाश्वत सुख और शाश्वत शांति है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुखी नहीं है। सब लोग क्या हो रहा है, केवल भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और ये भाग दौड़ कभी ख़त्म होती नहीं है। हम जितना भी भागेंगे जैसे वो सुख और आगे भागते जाएंगे। फिर बात क्या है, हमें केवल लग रहा है कि हमें ये चीज़ पाकर सुख मिल जाएगा लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो हाथ में कुछ भी नहीं आता है। और इसी तरह जब पूरा जीवन हमारा बीत जाता है तो फिर हमें लगता है कि ये क्या हो गया हमसे, क्योंकि उस समय जब हम देखते हैं तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होता है। और पता है, जब सबसे बड़ा दुख व्यक्ति को तभी होता है कि मैं जीवन भर भागता रहा लेकिन मैंने क्या लिया। वो दुख उसको होता है जो परमात्मा की राह पर नहीं चलता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता है। लेकिन जिसने अपने शरीर के रहते रहते परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा को याद किया, उसको दुख नहीं होता है। उसको क्या लगता है कि मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने कर लिया, अब चाहे मृत्यु कल आती हो आज आ जाए मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, जो केवल संसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने में ही अपना जीवन बिताते हैं, तो जब अंतिम समय में जब उनसे वो चीज़ें छूटती है तब उनको लगता है कि ये तो सारा छूट रहा है, तब वो दुखी होते हैं कि जिस परमात्मा की भक्ति करने के लिए मुझे ये मानव तन मिला था मैंने वो नहीं किया और मेरा सारा जीवन चला गया। और उस समय यदि हम कुछ समय भी मांगेंगे कि हमें थोड़ा समय दे दो, हम अब परमात्मा को याद करेंगे, लेकिन मौत छोड़ने वाली नहीं है, उस समय एक क्षण भी हमें मिलने वाला नहीं है। तो हर मनुष्य को अभी और इसी समय से सावधान रहना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, और किसी की देखा देखी नहीं,
अपने अंदर झांक कर हम देखें कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है और मुझे और क्या करना है, क्या मेरा जीवन सही राह पर चल रहा है या गलत राह पर चल रहा है। और जिस दिन हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो शायद हम सही राह पर चल पड़ेंगे। जैसे योग के 8 अंगों के बारे में मैं बता रहा था, संतोष के बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय किसको कहते हैं? जो परमात्मा की राह पर चलने के लिए यानी जो सही राह दिखाए ऐसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। स्वाध्याय के बाद आता है तप। तप का कई लोग गलत अर्थ लेते हैं, क्या करते हैं, कई लोग अपने चारों तरफ आग जलाकर बैठ जाते हैं, कई लोग हाथ ऊपर खड़ा करके ऐसे ही खड़े रहते हैं, कई लोग कई कई दिन तक का उपवास करते हैं, लेकिन ये तप नहीं है। वास्तव में तप क्या है? सत्य को प्राप्त करने में जो भी कष्ट आए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उस प्रॉब्लम को पाने की राह में कितने भी कष्ट आए उनको सहन करना ही सच्चा तप है। इधर यम नियम आसन, जिसे नियम के बाद आता, इसके बाद क्या आता है? तप के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद आता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान यानी परमात्मा पर अटल आस्था। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा विश्वास न डगमगाए, इसको ही कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। योग दर्शन कहता है कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, कि समाधि भी उन्हीं की सिद्ध होती है जो परमात्मा पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। इसके बाद आता है आसन। आसन उसको कहते हैं जब 3 घंटे लगातार हम एक स्थिति पर बैठे रहें, उसको कहेंगे आसन। यम नियम आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम जिसे श्वास बाहर निकालना, रेचक पूरक और कुंभक, ये 3 प्रक्रियाएं होती है प्राणायाम की, जिससे नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार किसको कहते हैं? जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, ये हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां संसार की तरफ भागती है, लेकिन इन इंद्रियों को संसार की तरफ से हटाकर परमात्मा की तरफ लगाना ही प्रत्याहार है। जैसे हम जो भी ग्रहण करते हैं वो आहार है, जैसे केवल हम भोजन करते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन इसके द्वारा भी हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, वो भी हमारा आहार हो जाता है, यानी वो भी हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमारे अंदर जाकर वो भी क्रिया करता है। जैसे कोई हमने गलत शब्द सुन लिए, वो शब्द काफ़ी समय तक हमारे अंदर गूंजते रहेंगे। आहार यानी जो भी हम ग्रहण करें, तो ना हमारी इंद्रियां जो संसार की तरफ भाग रही है, इनको संसार से हटाकर परमात्मा की तरफ लगाना ही प्रत्याहार है। अब धारणा, धारणा जैसे किसी चीज, जैसे झरना बहता है लगातार बहता रहता है, उसी प्रकार किसी को केंद्र बिंदु बनाकर उस पर धारणा की जाती है। धारणा के बाद आता है ध्यान। ध्यान में क्या होता है? जो हमने धारणा बनाई है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, उसमें अपना भी कुछ भास होता है, और इसके परे आती है समाधि जिसमें हमें अपना भी भास नहीं होता है, जिसको हम देखना चाहते हैं केवल वही दिखाई पड़ता है, उसको कहेंगे समाधि। लेकिन योग के 8 अंगों को मानने वाले ब्रह्म को कण कण में मानते हैं, और लेकिन ब्रह्म के दर्शन शरीर में कभी नहीं होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को करने से हमारा शरीर तो शुद्ध हो जाएगा लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें तो परा प्रेम लक्षणा भक्ति वाली राह अपनानी होगी। इधर श्री जी
योग दर्शन के आचार्य को भी कहते हैं हे दर्शन के, हे योग दर्शन के आचार्यों, आप ब्रह्म को ज्योति स्वरूप मानते हो, फिर निराकार मानते हो, और जिन योग के 8 अंगों को अपने कहा कि इन सीढ़ियों को पार करने के बाद ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे, तो ये चीज़ें करने से शरीर तो शुद्ध हो जाएगा लेकिन ब्रह्म के दर्शन कभी भी इससे होने वाले नहीं है। श्री जी के सामने उपस्थित होते हैं वेदांत दर्शन के आचार्य। वेदांत दर्शन के आचार्य कण कण में ब्रह्म को मानते हैं। क्या कहते हैं श्री जी, हे संत जी, चींटी से लेकर हाथी तक सब में एक ही ब्रह्म विद्यमान है, और जो ब्रह्म के अलावा किसी और को मानता है उसको हम अज्ञानी मानते हैं। श्री जी कहते हैं कि हे वेदांत दर्शन के आचार्यों, आप कण कण में ब्रह्म कहते हो, यदि कण कण में ब्रह्म है, श्री जी कहते हैं कि जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो तब तो अज्ञान कछुए नहीं, तो खट शास्त्र भय काहे को महे ऐसी आवत मन माहे। कि जब कण कण में ब्रह्म है तो जैसे यहाँ पर कोई गुरु है, कोई शिष्य है, यदि सबके अंदर ब्रह्म विद्यमान है तो कोई अधिक ज्ञानी है, कोई कम ज्ञानी है, और यहाँ पर हम देखें तो सबकी बुद्धि अलग अलग है। सब देखने में तो एक से लगते हैं लेकिन सबकी विचारधारा कहीं ना कहीं अलग ही होती है, और यदि सबके अंदर ब्रह्म विद्यमान है तो धर्म ग्रंथों को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 6 शास्त्रों को रचने की ही आवश्यकता नहीं है, तब वेदांत दर्शन के आचार्य भी मौन हो जाते हैं। कण कण की बात कहाँ की है, परम धाम की। परम धाम के अंदर कण कण में ब्रह्म विद्यमान है लेकिन यहाँ पर ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है, कण कण में ब्रह्म विद्यमान नहीं है। जब श्री जी प्रश्न करते हैं वेदांत दर्शन के आचार्य को, कोई कहे इस सबे ब्रह्म तब तो अज्ञान कछुए नाही, तो खट शास्त्र भय काहे को मोहे ऐसी आवत मन माही। श्री जी जब ये प्रश्न करते हैं तो वेदांत दर्शन के आचार्य भी मौन हो जाते हैं। अब सारे धर्माचार्य जब कोई भी श्री जी को संतुष्ट नहीं कर पाता है, सारे मिलकर सोचते हैं कि हम सबको इन्होंने हरा दिया और हमारे एक भी सिद्धांत को इन्होंने सही नहीं माना, तो आखिर ये किसको मानते हैं। अब सब मिलकर ये विचार करते हैं कि हम एक एक करके इनको उनके सिद्धांत पूछते हैं कि वो किन को मानते हैं, और जब वो हमें जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। सारे यही निर्णय करते हैं लेकिन श्री जी तो गए ही इसी उद्देश्य से कि उनको वास्तविकता का पता चले, लेकिन श्री जी विनम्र होकर उन सबका ज्ञान सुनते हैं। सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि आचार्य जनों, आप अपना ज्ञान सुनाइए, और सबने अपने अपने सिद्धांत श्री जी को सुनाए, लेकिन कोई किसी को ब्रह्म मान रहा है, कोई काल को ब्रह्म मान रहा है, कोई कर्म को ब्रह्म मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। श्री जी का एक ही जवाब होता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मेरे जीव को मुक्ति चाहिए। और जब श्री जी को सब लोग मिलकर पूछते हैं कि आप हमें अपने सिद्धांत बताइए, तब श्री जी धर्म ग्रंथों की साक्षियां देकर बताते हैं, जैसे पुराण संहिता में भी कहा गया था, भविष्य जैसे पुराण संहिता कहती है, कलिर्धन्य कलिर्धन्य कलिर्धन्यो महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समुपाविशन, के शिवजी ने उमा को बताया था कि उमा
28वां कलयुग धन्य है, धन्य है और धन्य है। क्यों? कि उसमें परब्रह्म अपनी आत्माओं को माया का खेल दिखाने के लिए आएंगे और वो जब अपना ज्ञान फैलाएंगे तो उनसे तू वो ब्रह्म ज्ञान सुनकर तू भी भव सागर से पार हो जाना। और भी कई धर्म ग्रंथों में ये बात कही थी, जैसे भविष्य दीपिका में भी ये बात कही हुई थी और भी अन्य धर्म ग्रंथों ने साक्षियां दी थी कि वो परब्रह्म शालिवाहन साकातुगल सोड़सकम सतम जीवो उद्दाराय ब्रह्मांडे कल्कि प्रादुर्भविष्यसि, कि सारे ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार करने के लिए भूत निष्कलंक स्वरूप प्रकट होगा। इस सारे धर्म ग्रंथों के अंदर साक्षियां थी, लेकिन यहाँ श्री जी कहते हैं कि आचार्य जनों, आप यदि मेरा परिचय चाहते हो तो आपको हरिवंश पुराण का अवलोकन करना होगा। जिस हरिवंश पुराण में राजा जन्मेजय की बात आती है, अब श्री जी ये भी कहते हैं कि धर्माचार्यों आप चिंता मत करो, मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा और एक एक धर्म ग्रंथ की साक्षी दूंगा कि कौन से धर्म ग्रंथ में कहाँ क्या लिखा है इसके विषय में, और प्रमाण देकर मैं आपको समझाऊंगा। अब श्री जी अपनी पद्धति बताएंगे उन धर्माचार्यों को कि हमारे सद्गुरु कौन हैं, हम सेवन किसका करते हैं, हमारी साला क्या है, ये चर्चा कल करेंगे। सुंदर साहब जी, हरिद्वार का प्रसंग थोड़ा शुष्क जरूर लगता है, लेकिन यदि एक बार हमने हरिद्वार का प्रसंग समझ लिया तो हमें किसी को समझाने के लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि हरिद्वार के प्रसंग में श्री जी ने अपने सारे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है कि हमारे निजानंद संप्रदाय के सिद्धांत क्या है, और उनको समझना सबके लिए अनिवार्य है। जैसे धर्माचार्यों ने अपना सारा ज्ञान तो सुनाया, उनको ये नहीं पता था कि श्री जी आखिर चाहते क्या है। उनके अंदर तो एक ही चाह थी कि किसी भी तरह ये संत हमारी राह धारण कर ले, और एक बात ध्यान रखिएगा कि केवल धर्म ग्रंथों के अर्थ को रट लेने मात्र से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब तक उसके वास्तविक अर्थ को समझकर हम उस राह पर नहीं चलते हैं तब तक वो ज्ञान हमारे लिए कोई भी लाभकारी नहीं है। शंकराचार्य ने एक बात बहुत अच्छी कही है, भज गोविंदम मूढ़मते सन प्राप्ते सन हित्ते काले नहीं रक्षति डुक्री करने। इसका अर्थ ये है कि हे मानव, तू उस परमात्मा की भक्ति कर, तू उस परमात्मा की भक्ति कर, तू जो धर्म ग्रंथों को केवल रट रहा है तो रटा हुआ तेरे काम आने वाला नहीं है। बताया ये जाता है कि जब शंकराचार्य जी एक रास्ते से जा रहे होते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति व्याकरण के सूत्रों को रट रहा होता है, उसको जब शंकराचार्य जी देखते हैं तो सोचते हैं इसकी इतनी उम्र बीत गई है और अभी भी ये व्याकरण के केवल सूत्र रट रहा है, और रट के क्या करेगा, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान कभी भी काम नहीं आता है। एक दृष्टांत मैं देना चाहूँगा, एक सूफी संत थे जो नाव में लोगों को पार पहुंचाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक बार एक पंडित उनकी नाव में बैठता है, पंडितों के कार्य क्या होते हैं, केवल धर्म ग्रंथों को रटना। ये पंडित भी ऐसे ही काफ़ी धर्म ग्रंथ पढ़े हुए थे, रटे हुए थे। जब वो सूफी संत उनको बैठा कर ले जाते हैं नाव में,
बीच में जाते हैं, वो पंडित जी पूछते हैं उस सूफी संत फकीर को कि आपने पढ़ाई कितनी की है। तब उस फकीर कहता है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने तो पढ़ाई नहीं की है। हालांकि फ़कीर काफ़ी पहुँचे हुए थे। सूफी फ़कीर क्या करते हैं, रात को परमात्मा का ध्यान करते हैं। वो भी सूफी फ़कीर थे, लेकिन जीवन को चलाने के लिए ही वो केवल नाव चलाते थे और अपना गुजारा करते थे। इधर पंडित पूछता है कि क्या आपने गणित पढ़ी है। सूफी फ़कीर कहता है कि मुझे गणित की क्या आवश्यकता, हम तो कमाता ही इतना है कि जिससे हमारा आज के दिन का खाना मिल जाए। कल के लिए क्या करना है इसका हमें नहीं पता, हमें तो गिनती की आवश्यकता नहीं है, तो हमें गणित पढ़ के क्या करना है। तो वो कहते हैं कि आपका आधा जीवन ऐसे ही चला गया। और भी कई धर्म ग्रंथ के बारे में पूछता है। फकीर कहता है कि मैं तो निरा अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसी समय अचानक तूफान आता है। जैसे तूफान आता है तो वो सूफी फकीर कहते हैं कि पंडित जी आपको तैरना आता है। पंडित जी कहते हैं कि मुझे तो तैरना नहीं आता है। तब सूफी फकीर कहते हैं कि पंडित महाराज आपका तो पूरा जीवन व्यर्थ गया, क्योंकि आपने केवल धर्म ग्रंथों को रटा हुआ है, लेकिन आपको जब तैरना नहीं आता है तो तूफान आया है और आप डूबकर आपका शरीर छूटने वाला है। मुझे तैरना आता है, मैं तो तैर कर निकल जाऊंगा, लेकिन आपका पूरा जीवन अब समाप्त होने वाला है। वैसे ही रटा हुआ ज्ञान केवल अपना नहीं होता है, यदि हमने जितना जाना है वो हमारे जीवन में उतर जाता है तो वही ज्ञान अपना होता है। क्योंकि उस ज्ञान से यदि हमने लाभ नहीं लिया तो चाहे कितने भी धर्म ग्रंथ हमें कंठस्थ हो जाए, हमें कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। अब आगे कैसे श्री जी अपनी पद्धति सुनाएंगे और कैसे सब धर्माचार्यों को अपना जवाब देंगे वो चर्चा होगी कल। अब यहाँ पर चौपाई तुराएंगे। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो देसाख, नई राह है तुम्हारी, सो कहो हमें विध भाख, सो कहो हमें विध भाख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। नाम जी।